हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी हमारी फॉर अपकमिंग एग्जाम सीएसआईआर नेट गेट आईआईटी जेम, उसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए सीएसआईआर नेट में पार्ट सी के अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छे स्टेप देखने को मिलेगा यहाँ पर, वो पहचान करनी आनी चाहिए आपको, स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। क्लियर है? सेकेंड इंपोर्टेंट थिंग कि आपका सीएसआईआर नेट का एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, गेट की डेट ऑलरेडी अनाउंस थी, आईआईटी जेम की भी अनाउंस थी। तो अब आप एग्जाम की प्रिपरेशन में सीरियस हो जाइए। गेट के लिए आपके पास ओनली फॉर ओनली 800 हावर बचे हैं और सीएसआईआर नेट के लिए आपके पास 2 मंथ है। किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझना, इन सब की वीडियोस आपको वन बाय वन स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से करनी है वो स्ट्रेटजी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा इसी चैनल पर। क्लियर है? तो वो आप बहुत ही ध्यान से देखना एक एक वीडियोस को। आज के इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो 2 थर्मस्टेट आपको गिवन है ए एंड बी, इनके आपस में रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको बनने वाला प्रोडक्ट सी क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना। क्लियर है? अब समझना यहां पर इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको सबस्ट्रेट देख के पता लगना चाहिए कि हीट की प्रेजेंस में क्या हो सकता है। मैंने हमेशा कहा है सेक्शन सी की बात करूंगा तो आपका स्पेशली हीट की प्रेजेंस में कोशिश करना, या तो कोई ग्रुप निकलेगा यहां यहां पर पेरिसाइक्लिक का स्टेप देखने को मिलेगा। ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए बात। तो क्या होगा यहां पर, सबसे पहले एक स्टेप देखने को मिलेगा और इस मोइटी को ऑप्शन ए जो आपको ए दिया गया है सब्सट्रेट, इसको मान लीजिए मैंने इस प्रकार से आपके सामने लिखा और यहां पर मैंने लगा दिया आपका सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर गिवन है ऑक्सीजन। एक डबल बॉन्ड आपका यहां गिवन है, एक डबल बॉन्ड आपका यहां था। क्लियर है? यहां पर इसी चीज को मैंने इस प्रकार से मोल्ड करके लिखा। अब इसके साथ में जो ए गिवन है वो क्या है समझना, वो आपका गिवन है दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? यहां पर देखो आपको सबस्ट्रेट को लिखना आना चाहिए ताकि आप उसको पहचान सके कि वहां रिएक्शन पॉसिबल कौन सी है। आपको वो क्या करेगा, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये जो सब्सट्रेट डिजाइन करके देगा वो इस प्रकार से देगा कि आप वहां तक पहुंच ना सके, उसका टारगेट यही होगा। तो हमको क्या करना है कि हमारे अकॉर्डिंग जो आपको हिंट दिया गया है कि आपको हीट दे दिया गया है, आपको डबल बॉन्ड वाली मोइटी, इटमीन्स आपको देखना है पेरिसाइक्लिक कुछ ना कुछ स्टेप तो देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आप इसको इस प्रकार से मोल्ड कीजिए कि आप पहचान सके कि हाँ यहां पर किस प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। जैसे ही मैंने इस प्रकार लिखा आप इजीली अब यहां पर अंडरस्टूड है कि यहां पर आपको 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। कैसे है? क्योंकि देखो 2π इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4π इलेक्ट्रॉन आपके सामने ये रहे। जबकि ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ध्यान समझना, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये वाले यहां जाएंगे और ये वाले यहां जाएंगे। 4π इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ये जो करेगा क्या करेगा, ये सॉरी 4π इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यहां करेगा तो मैंने यहां लिखा 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, या इसे मैं डिलसेंडर रिएक्शन कहूंगा। तो इससे जो सबस्ट्रेट बनेगा वो क्या होगा, तो देखिए आपका वो सबस्ट्रेट क्या होगा। क्लियर? क्लियर? यहां पर आपका ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्पीसीज मिलेगा। किस प्रकार से मिला, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, ये किस प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में ये स्टेप देखने को मिला। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है देखना समझना, अब ये हो गया, अब ऑप्शन में क्या होगा कि आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है, ऑप्शन ए बी सी डी में अंदर कोई सा भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा, बट आपको देखना है पहचानना है कि फाइनल प्रोडक्ट इससे और कौन सा बन सकता है, क्या यह लास्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, नहीं तो फिर क्या होगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, वो पहचानना है।
तो पहचान कैसे करोगे देखना। अगला स्टेप आप लोगों के सामने जो है वो क्या होगा, फर्दर आपको यहां हीट गिवन है। क्या गिवन है? हीट गिवन है। अब हीट गिवन है तो आपको क्या करना होगा, यहां एक स्टेप देखना हो वो है आपका CO2 का यहां पर क्या होगा, लिबरेट होगा। CO2 क्या होगा, यहां से लिबरेट होगा। अब CO2 लिबरेट किस फॉर्म में होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होगा, यहां से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बन पर मूव करेंगे, ये इस वाले कार्बन पर मूव करेंगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा और यहां से क्या लिबरेट हो गई आपकी, CO2 लिबरेट हो गई। या मैं CO2 को कैसे लिख दूं, या आपकी CO2 लिबरेट हो गई। क्लियर है यहां तक? एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा होने की परिस्थिति में अब जो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो स्टेप डिजाइन हो रहा है वो आपका हो गया सर ये वाला। ये आपको देखने को मिल गया है। अब जब ये चीज आपको देखने को मिल रही है, हीट के प्रेजेंट में हमने दो स्टेप तो करवा दिए हैं पेरिसाइक्लिक के, तो अगला स्टेप फिर भी आपको देखने को मिल रहा है, क्या ये स्टेबल प्रोडक्ट है? नहीं, अभी तक हीट गिवन है। 4 पाई का सिस्टम यहां दिख रहा है, 2 पाई का सिस्टम यहां दिख रहा है, इट मींस अगेन एक 4 प्लस 2 साइक्लोएडिशन या डिसल्टरेशन आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस क्वेश्चन को लेने का टारगेट ये था कि आप फाइनल प्रोडक्ट की तरफ समझे किस प्रकार से मूवमेंट होगा। समझ रहे हैं मैंने यहां तक क्या कहा आपको, एक एक स्टेप समझिए आप मैंने यहां पर क्या कह रहा हूं। ये स्टेप यदि आपके समझ में आ गए तो आप यहां पर सारा गेम खेल जाएंगे कि एक्चुअल में क्या होगा। अब क्या करूं मैं इसको अब इस प्रकार से मोल्ड करके लिखता हूं कि आप अंडरस्टूड, आपके समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये किस प्रकार से फॉर्म होगा। तो मैंने इसको क्या किया, आपके सामने ये आपके पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को मैंने यहां रखा और यहां मैंने क्या किया, तो कितने होंगे देखो आप, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अंडरस्टूड। ये आपको यहां देखने को मिलेगा। अब जब ये दिख रहा है 2 सिस्टम, ये 4 पाई सिस्टम, इट मींस यहां पर अगेन क्या करवा दोगे आप, 4 प्लस 2 साइक्लोएडिशन। वो कैसे होगा देखो, अब क्या हो गया यहां पर, मैंने क्या कहा ध्यान से देखना आप, यहां पर अब क्या देखने को मिलेगा, अगेन आपको यहां हीट की प्रेजेंस में 4 प्लस 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या होगा उस स्टेप में, यहां के पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ठीक है अंडरस्टूड। आप देखना ये कि देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां गए, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहां गए और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहां गए। बहुत ही इजी स्टेप है, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। 4 प्लस 2 साइक्लोएडिशन किस प्रकार से होगा, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर जाएंगे, ये वाले इस वाले पर जाएंगे और ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा आपका वो क्या होगा वो आपको पहचानना है, और वो आपके सामने मैं यहां लिख रहा हूं किस प्रकार से वो प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर तो आपका डबल बॉन्ड आ गया सर यहां, इस वजह से क्लियर है, यहां तो आपका डबल बॉन्ड आ गया, किस प्रकार से डिजाइन हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने समझ ली है। अब ये चीज समझ ली है तो आपको नेक्स्ट स्टेप भी समझ में आ जाएगा। देखना यहां से ये इलेक्ट्रॉन चेन इस प्रकार से थी, 1 2 3 1 2 3 4 5 4 और 5। इस प्रकार से क्या होगा, यहां से ये जो आपका बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका सबस्ट्रेट बनेगा, ये आपका क्या हो गया सर यहां पर, ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट।
ये इस रिएक्शन का आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो क्या देखने को मिला? कुछ नहीं था, या पूरी रिएक्शन के अंदर एक चीज थी, वो थी पेरिसाइक्लिक का स्टेट, वो आपको पहचानना था। अब यहां पर ये जो मोइटी बनी है, इस मोइटी में आप एक चीज देख सकते हैं कि फर्दर यहां पर अब यदि मैं हीट देता हूं तो कोई ऐसा स्टेप देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां पर? क्यों किया मैंने ये स्टेप? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के सबस्ट्रेट को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको ऑप्शन में यह भी गिवन होगा, यह भी गिवन होगा, यह भी गिवन होगा, तो मेजर कौन सा होगा? मेजर वो होगा जो उसकी स्टेबिलिटी को करेगा। क्लियर है यहां पर? तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको करवाया, मैं फिर करा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार लगा के रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट सी के अकॉर्डिंग सीएसआईआर नेट में। और गेट की बात करूं तो 2 मार्क्स में ये आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको समझना चाहिए कि आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट सी था, क्या कहा मैंने, जो प्रोडक्ट आपका सी इसने पूछा था वो क्या होगा? दैट इज द दिस वन इज द योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको रखनी थी, इसलिए हम नेक्स्ट इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। क्लियर है? और स्ट्रेटजी वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक आप बने रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।